जो जनता के गम में घुले जा रहे हैं वो भय में घुले जा फूले हैं वो घुले जा इलेक्शन ये मुर्गे भी अंडे दिए जा रहे हैं। हाजरी ने महफिल इलेक्शन का नारा अच्छे दिन जरूर आएंगे। इस मौजू को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जो कुछ भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अभी हाल में ही तो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, इतने जल्दी नारे भूल गए? आपने जरूर सुना होगा, बैटरी टॉर्च। और अब इलेक्शन खत्म होते ही बैटरी टॉर्च वालों की बैटरी के साथ चिट्ठी भी गुम हो गई। कमला चा फूल इस तरह नारे लगाते थे कि आप ही कीचड़ में कमल का फूल खिला देंगे, लेकिन अचानक ये कमल का फूल गोभी का फूल बन गया। अब आगे देखेंगे क्या क्या गुल खिलाते हैं। और मनसे वाले अपने रेलवे इंजन को लेकर खूब चिल्लाए। नक्काड़ खाने में तोती की आवाज कौन सुनता है? आखिर थक हार कर कोमा में चले गए। ये हाथ नहीं पासी का फंदा है, और पासी के फंदे अवाम के गले में डालकर आवाम को बेवकूफ बनाने का पुराना धंधा है। इन लुटेरे हाथों से कब तक फंसाओगे तुम तो ठहरे कांग्रेसी साथ क्या निभाओगे? हमारे देशभक्त रहनुमाओं ने अपना उल्लू सीधा करने के फिक्र में दूसरों के उल्लू उल्टे कर दिए। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया, मगर हमारे देशभक्त रहनुमाओं ने इस बहती गंगा में हाथ धोने की पॉलिसी को अपनाया। इन फर्जंदान वतन ने अपना बैंक बैलेंस बंगले कोटी बनाने के चक्कर में इस बहती गंगा में नहाना शुरू कर दिया। इन लीडरों की मेहरबानियों से आज हमारा मुल्क एक जरई मुल्क बन चुका है, जहाँ चावल बकसरत पैदा होता है और सब्जी तरकारी भी फरावानी से उगाई जाती है। इसीलिए चावल 100 रुपया किलो और भिंडी 80 रुपया किलो और असीम मुफ्त मिल जाता किलो। जहाँ 5 असीम मुफ्त खरीदने पर एक सिगरेट 5 असीम मुफ्त करता है, और जहाँ 10 असी गाड़ी पर 1 किलो प्याज फ्री बिल्कुल फ्री मिल जाती है। दादी अम्मा कहती है हमारे जमाने में असली घी 5-6 रुपए सेर मिल जाता था, अब असली घी की दुकान पर इस बोर्ड लगाए जाते हैं कि 5 रुपए में असली घी की खुशबू सूंगा 5 रुपए। अब तो हमारे मुल्क ने मजीद 5 रुपए की है। अब मसनूई केमिकल खाना पकाने की अशिया में और असली लीमू का रस बर्तन धोने के साबुन में इस्तेमाल होता है। जहाँ जानवरों के खाने का भूसा हॉर्लिक्स बॉर्नविटा में मिलाकर हमारे मुल्क के नौजवानों को सेहतमंद बनाने की अंतक कोशिश की जा रही है। हाजरीन मेहरबान, यह लीडरों का संतान जो लूट रहे हैं मेरा प्यारा हिंदुस्तान और चमका रहे हैं अपनी दुकान, हम है परेशान के अच्छे दिन जरूर आएंगे, मगर इसके लिए इंतजार मजीद इंतजार करना पड़ेगा। फिक्रो नजर की हुर्फ सुकन की गिरेह भी कुछ खोल चुका सोच रहा हूँ चुप हो जाऊं, अब तो काफी बोल चुका। खुदा हाफिज़।